नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों के एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाने का जो प्रयास, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। देखिए, इस गाँव से पहले हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो कवर हमने की है जी, और इस गाँव में से जो कि एक से काफ़ी शानदार जो कि पशुधन है वो निकल के आता रहता है। तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी आम किसान के घर से, और आम किसान की घर की जो कि आपको होम ब्रीड है वो आपको दिखाएंगे जी। देखिए, ज़्यादातर जो हमारी कवरेज रहती है जी व्यापारी वर्ग के भाइयों के डेयरी फार्म से वीडियो रहती है, लेकिन आज एक किसान की वीडियो आपके समक्ष लेके आ रहे हैं जी। काफ़ी अच्छे खासे जो कि दूध लाइन का पशुधन और ब्रीडिंग पर्पज़ का भी काफ़ी अच्छा है जी, क्योंकि देखिए साथ में जो इसकी कटड़ी है जी वो भी आपको दिखाएंगे जी। करेक्टर्स वाइज है वो काफ़ी अच्छी जो देखने को मिलेगी जी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस है वो बता देना चाहूँगा जी, जो भाई का गांव है जी मदीना। और जैसे कि हम सब जानते हैं, मदीना गांव जैसे ही हमारे ज़ुबान के ऊपर आता है तो भाई सजन है। इस गाँव के जो भाई हैं वो काफ़ी अच्छे पशुधन है, वो अपने डेयरी फार्म पर भी रखते हैं। तो आज उसी गाँव में से आपके समक्ष जो वीडियो लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और मिलवाना चाहेंगे भाई साहब से, और जो पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई साहब से लेंगे। भाई साहब नमस्कार, भाई कैसे हो? भाई साहब थोड़ा तेज बोलना भाई साहब। तो सबसे पहले भाई साहब शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका। लिल्लू है, लिल्लू वाला जाना है, लिल्लू है। लिल्लू है जी, ठीक है। तो आज जो हमारे से पशुधन दिखा रहे हो भाई साहब अपने घर की है, ठीक है। तो लगभग अब की बार कौन से लैक्टेशन में भाई साहब? तीसरी बार होगी। तीसरी बार काविंग करेगी, ठीक है। एक तारीख को इसके दिन कंप्लीट होंगे, ठीक है जी। तो देखिए जी, और अभी से काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो बचता है, तो अभी फ़िलहाल हमारी कवरेज है जी 18 तारीख ना भाई साहब, आज 12-13 दिन, ठीक है जी। तो देखिए 18 तारीख को लमसम जो कि कवरेज कर रहे हैं, और अभी से जो कि 1 तारीख को जो कि दिन है वो कंप्लीट करेगी, और कुछ दिन जो कि ऊपर भी है वो ले सकती है। बाकी देखिए नीचे की पोजीशन की अगर बात करेंगे, अभी भी जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वो हमें जो देखने को मिला है जी, लेवा है वो आप देख पा रहे हैं, जो थनों में जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और बाकी देखिए दूध की भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि भाई साहब ने हमारे से बताया, तो दूध की भी जो जानकारी है वो भाई से ज़रूर लेना चाहेंगे। बाकी देखिए पीठ पुट्ठे की जो बनावट है बिल्कुल ब्लैक जेड जो हमें पशुधन है वो हमें देखने को मिला। और बाकी देखिए थोड़ा सा जो कि कैमरे से पशुधन डर रहा है, और आगे अभी जैसे जैसे इसने अड्डर की जो ग्रोथ की है, आगे नाभि से लेकर के और पीछे बिल्कुल टेल से टच होता हुआ जो अड्डर है वो हमें देखने को मिला है। तो भाई साहब दूध की क्या कुछ रिपोर्ट रही आपके पास? दूसरा दांत में 18-19 किलो दूध दिया। 18-19 किलो दूध, अच्छा, मतलब रूटीन में दिया है, ठीक है। तो अपने घर के देखिए 18-19 किलो जो दूध का पशुधन है, बाकी मेरे हिसाब से पहले भी हम भाई से मिले हैं, जो भाई ने अपने पशुधन की जो जानकारी दी, लेकिन आज हमने आके जो पशुधन देखा है तो नीचे का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और अब की बार जो कि थर्ड लैक्टेशन में जो कि पशुधन है वो काविंग है करेगा जी। बाकी देखिए, और अभी से काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्डर में जो गुंजाइश है वो हमें जो देखने को मिल रही है, ये देखिए। तो लगभग 1 तारीख को दिन है वो कंप्लीट होंगे, तो एक बार इसको खोल के चला के दिखा दीजिए, जो व्यक्तित्व है पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। उसके बाद जो इसकी फीमेल काफ है वो भी आपको दिखाना चाहिए जी। देखिए ऐसे ऐसे पशुधन से जो कि हम ब्रीडिंग है वो हम कर सकते हैं, और भाई की जो कि होम ब्रीड है, देखिए बाकी बिल्कुल खुली आपको जो कि चला के वो आपको दिखा रहे हैं जी। देखिए जो सींग है, एक सींग के जो कि खोली है वो उसने उतरवा रखी है, बाकी शरीर पर जमता हुआ जो सींग है वो हमें जो देखने को मिला, और बाकी हाइट और जो लेंथ है वो आप यहाँ पे जैसे कि जो देख भी पा रहे हैं। बाकी जो नीचे से जो लेवा है, जो इसकी जो अड्र की जो क्वालिटी है, जो थनों की जो बनावट है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है जी। बाकी देखिए, और जैसे जैसे काविंग के बिल्कुल नज़दीक आएगी तो भैंस का जो जो लेवा होगा वो हमें देखने लायक मिलेगा जी, ये देखिए काफ़ी। भाई साहब जो इसके नीचे जो इधर इसके पिछले भी आती, ठीक है जी। तो देखिए एक बार कटड़ी की जो नीचे से जो बनावट है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा जी। बाकी देखिए अपनी माँ की तरह जो फेस वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। बाकी ब्रीडिंग पर्वज का इसी कारण से कह रहा था, बिल्कुल अपने ऊपर जो कि इसने पशुधन को जो कि दिया है, ये देखिए जो नीचे से जो इसकी अभी भी जो गद्दी है
वो हमें काफी अच्छी देखने को मिली है जी। ये देखिए जी, नीचे का जो पोजीशन है हीफर का वो काफी अच्छा देखने को मिला। तो कितने दिन की होगी भाई सब? चौदह महीने की होगी। ये देखिए 14 महीने की एज में बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर बिल्कुल जाती हुई जो हाइट है, लेंथ है और जो शरीर की जो बनावट है वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो इसी कारण से कह रहे हैं कि ब्रीडिंग पर्पज़ का पशुधन है बिल्कुल अपने ऊपर है, जो इसने पशुधन है वो अपने जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने ऊपर है वो दिए हैं। और बाकी देखिए फॉरहेड अडर की बात कर लेते हैं, नीचे से जो इसकी अडर की जो सफाई है और जो मिल्क वेन है, जो पाइपलाइन जो बोल देते हैं जी दूध वाली, जो हमारे काफ़ी पशुपालक भाई हैं, बिल्कुल मोटी मोटी जो साफ सुथरी जो देखने को मिल रही है। तो भाई साहब बात कर लेते हैं, देखिए सारी की सारी डिटेल्स तो हमने ले ली है, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, रेट वगैरह क्या कुछ रखा है? रेट तो भाई इसका लो लग गई रहा हो गया, जब बता जाएंगे तो कई दिन पड़ेगा तो और भी बनाएगी भैंस। अच्छा जी, तो रेट मौके पे करोगे? मौका पर रेट कर देंगे। अच्छा जी, इलाज कराओगा 10 दिन पाचा तो और रखे मैं पाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो देखिए जी हमारा फर्ज था सिर्फ पूछने का रेट, बाकी आप रूटीन से भाई का जो कि स्क्रीन पे नंबर भी है वो आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो भाई सब बात कर लेते हैं, अगर कोई पशुपालक भाई आपसे ज्ञापन लेना चाहे तो नीचे की तो आपकी गारंटी होगी? हाँ, छर्रा छीट? हाँ, कोई छर्रा छीट नहीं। अच्छा जी ठीक है, क्योंकि आपकी घर की आप बता रहे हो, कोई छर्रा छीट नहीं। क्या कुछ दूध की आप इससे उपेक्षा कर सकते हो आने वाले फ्यूचर में? 20-21 किलो देना चाहिए। देना चाहिए, ठीक है। तो अभी की बार तो गर्मी भी ज्यादा है भाई साहब, गर्मी करके तो थोड़ा हवा हो रहा है ना, टाइम बंद तो भी चार पाल। अच्छा जी ठीक है, तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए भाई साहब। 94-667, ठीक है, 22-745, ठीक है जी। तो देखिए जी ये भाई लिल्लू के जो उसकी स्क्रीन पे आप जो नंबर है वो आप देख पा रहे हैं, और भाई की होम ब्रीड है, किसी भी टाइम आके आप इस पशुधन को देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगते हैं जब आम किसान के घर पे जब इतना अच्छा पशुधन, इतने अच्छे दूध लाइन का जब पशुधन खड़ा होता है और उसकी वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगता है जी। और बाकी देखिए जैसे जैसे काविंग के नज़दीक आएगी तो मेरे हिसाब से बैस से चला नहीं जाएगा जी। ये देखिए, अच्छा जी ठीक है। तो देखिए जी ये पशुधन भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है जी, कोई भी पशुपालक भाई किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी भाइयों को नमस्कार।